नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण खबर है, आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है, वो बिहार के जो है कि वार्ड सदस्य, बिहार के सरपंच, पंच के ट्रेनिंग प्रशिक्षण से जुड़ी हुई खबर है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज हमने जायजा लिया है। वहाँ पे जो है कि सरपंच रामाकांत तिवारी, जो कि सुपर पावर सरपंच के नाम से जाने जाते हैं, रामाकांत तिवारी का सीधा बयान हम आपको सुनवाएंगे, जो कि सरपंच हैं घोड़ासान प्रखंड के कदमवा पंचायत के, जिन्हें सुपर पावर सरपंच के नाम से लोग जानती है, कहती है कि सरपंच के पास जो है कि विधायक की सख्त, विधायक जी से सीधे उनका विधायक के करीबी सरपंच हैं। उन्होंने जो है कि आज कुछ बातों को लेकर, कुछ बातों से उत्तेजित होकर प्रखंड के कर्मियों को हड़का दिया। प्रशिक्षण में भाग लेने से पहले ही पहुँचे सरपंच साहब ने जो है कि वहाँ पे मौजूद प्रखंड कर्मियों को हड़काया है, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए खबरों को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 13/5/22 को घोड़ासान प्रखंड के सभा कक्ष में सरपंच, पंच, वार्ड सचिव, वार्ड सरपंच, पंच, वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पुस्तक वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के अवसर पर विधायक के करीबी सुपर पावर सरपंच के नाम से जाने जाने वाले रामाकांत तिवारी प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे और किसी बात को लेकर कर्मियों को हड़का दिया। तो सरपंच साहब से हमने इस अवसर पर कुछ बातें की, उनसे जो है कि क्या बातें हुई यह है आपको हम दिख। यही बताइए कि आप लोग कोना पंचायत से आए हुए हैं? घोड़ासान दक्षिणी पंचायत से आए हुए हैं। किस पद पर निर्वाचित लोग हैं? हम लोग वार्ड सदस्य के पद पर निर्वाचित हैं। तो आज का कार्यक्रम क्या है यहाँ? आज ब्लॉक के द्वारा लेटर मिला हम लोग को चारोजपुर में, आज प्रशिक्षण कार्यक्रम है और समय सारणी 11 बजे और समय सारणी को पहुँचने के बावजूद भी प्रशिक्षण करता वहाँ उपलब्ध नहीं है, माननीय वीडियो साहब उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ना ये जाएगा, थोड़ा देर लगेगा, आ जाएगा। जी जी आ जाएंगे, 2-3 बजे। तो यहाँ पर किताब उताब रखा हुआ है ना? किताब के वितरण हो रहा है। एक चीज है कि सिर्फ घोड़ासान प्रखंड में किताब वितरण हो रहा है, दूसरे प्रखंड में ये सब अभी नहीं हो रहा है। जी इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो विभाग बताएगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको लगा देंगे हम भी। मुझे आम जनता ने, ठीक है जोर से, आम जनता ने बहुमत वोट देकर मुझे जिताया। मेरा उद्देश्य है कि कदमवा पंचायत में हार्दिक दिल से निस्वार्थ रूप में पब्लिक के साथ रहेंगे और काम करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो, और रिश्वत लेने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरपंच साहब आज किताब मिल गया? किताब तो मुझे प्राप्त हुआ, इस किताब के विधि व्यवस्था को लेकर मैं चलूंगा। ठीक है सरपंच साहब, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि प्रखंड कार्यालय घोड़ासान, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है, इस प्रखंड में जो है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, उपमुखिया सभी लोगों को प्रशिक्षण, प्रारंभिक ट्रेनिंग इसको कहा जा रहा है, यह प्रारंभिक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बाद फिर जो है कि प्रशिक्षण होगा, जो कि लॉ विधि कॉलेज, चाणक्य विधि कॉलेज पटना के जो प्रशिक्षक लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग
दिया जाएगा। चूंकि प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु विभाग के द्वारा पुस्तकें जारी की गई है, उन पुस्तकों को भी हमने आपको दिखाया और इस अवसर पर सरपंच रामाकांत तिवारी के द्वारा जो बातें कही गई, जो उन्होंने जो है कि अपनी पक्ष को रखते हुए जो उनका मानसिकता है, उनका जो सोच है ग्राम कचहरियों को चलाने का, जो उनका दायित्व तो सरकार उन्हें सौंपी हुई है, भ्रष्टाचार पर उन्होंने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम जो है कि अपने पंचायत में किसी भी भ्रष्टाचारी को पनाह नहीं देंगे और साथ ही भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगाएंगे। इस अवसर पर जो है कि हमने रामाकांत तिवारी से बात की, जो कि आपको दिखाने का काम किया। तो दोस्तों, आपको बताने का मकसद यही था कि बिहार के विभिन्न जिलों में और विभिन्न प्रखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के चूंकि जनप्रतिनिधि घोड़ासान प्रखंड के सक्रिय हैं, इन सक्रिय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है कि समय समय पर प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक जो है कि दौरा किया जाता है और जो है कि अपने अधिकार के प्रति सजग रहने का काम जनप्रतिनिधि करते हैं। इसी वजह से जो है कि सबसे पहले घोड़ासान प्रखंड में अभी इस जिले में जो है कि बात प्रकाश में आई है, जहां पुस्तक वितरण से लेकर प्रशिक्षण प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसको लेकर प्रखंड प्रशासन को जो है कि सरपंच रामाकांत तिवारी के द्वारा जो है कि सहृदय धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चूँकि जो है कि पंचायती राज विभाग ने पिछले दिनों सरपंच पंच, जो कि पुराने सरपंच और पंच थे, इसे पिछले सत्र में चुनाव जीते हुए थे, उन लोगों के लिए मानदेय की राशि का आवंटन किया था, जिसको लेकर हमने वीडियो जारी किया था, हमने खबर चलाया था और हमने बताया था कि 31 मार्च तक यदि राशि की निकासी नहीं होती है तो राशि वापस चली जाएगी। इसको लेकर पूर्वी चंपारण जिले के अधिकांश सरपंच लोगों ने जिले में संपर्क करके राशि निकासी करवाने का प्रयास किया, लेकिन जिले के अधिकारियों के अकर्मण्यता की वजह से राशि वापस चली गई, जिसको लेकर बिहार के तमाम सरपंच में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम पंच और सरपंच काफ़ी आक्रोशित हैं। इसी को लेकर जो है कि हम आपको एक खबर देने जा रहे हैं, पुनः जो है कि राशि वापसी के बाद और सरपंच और पंचों को राशि नहीं दिए जाने के बाद पंचायती राज विभाग ने एक पत्र और जारी किया है और यह पत्र नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए जारी की गई है, नवनिर्वाचित पंचों के लिए जारी की गई है। पत्र में यह बात कही गई है, पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, कि जितने नवनिर्वाचित सरपंच और पंच हैं उन लोगों का खाता विवरणी जो है कि उपलब्ध करवाया जाए, ताकि राशि उनके खाते में अंतरित कर दी जाए। अब इस बात को लेकर जब ग्राम कचहरी सचिव, चूँकि बहुत सारे पुराने सरपंच और पंच लोग हैं जो कि चुनाव फिर से जीत चुके हैं, 13-14 चुनाव जीते हुए हैं, उन लोगों से जब संपर्क करके खाता की मांग कर रहे हैं, तो आक्रोशित सरपंच और पंच के द्वारा कहा जा रहा है कि जब पहले हमने खाता दिया था वह राशि तो विभाग ने दिया नहीं, वापस कर दिया अधिकारियों ने, पुनः आप लोग खाता क्यों मांग रहे हैं। खाता मांगने पर सरपंच लोग पंच लोग आक्रोशित हो रहे हैं, जो कि जायज है, आक्रोशित होने का उनका एकदम जायज है, क्योंकि उनके मानदेय की राशि को वापस करने का कोई तुक नहीं बनता था। तो पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जहां से आप जो है कि नया पत्र जो जारी हुआ है, नव निर्वाचित सरपंच और पंच लोगों का खाता का मांग किया गया है, तो वह पत्र आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। रही बात जो है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बिहार में हर जिले हर प्रखंड में शुरू किया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।